सब्सक्राइब कीजिए टेक बाइट चैनल को और क्लिक कीजिए बेल आइकन पर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय गाइस, आज मैं आपके लिए एक जीमेल का एक फीचर लेकर आया हूं जिसकी हेल्प से आप अपने जीमेल के अकाउंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जीमेल का यूज ज्यादातर लोग करते हैं, चाहे वो पर्सनल यूज के लिए हो, चाहे अनदर सोशल नेटवर्किंग साइट के लिए, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या अनदर साइट। तो ऐसे में अगर हमारा जीमेल अकाउंट हैक हो जाए तो हमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है हमें उठाना पड़ सकता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने जीमेल का अकाउंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं किसी भी हैकर से, चाहे हमारे उस पासवर्ड को किसी को पता भी हो तो भी वो लॉग इन नहीं कर सकता जीमेल का अकाउंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आपको गूगल पे आना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है गूगल टू स्टेप वेरिफिकेशन। आपको सबसे पहले वाले लिंक के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपको गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद आपको अपने जीमेल का जो अकाउंट है वो टाइप करना है, ईमेल आईडी। इसके बाद आप जीमेल का पासवर्ड एंटर कीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक करें। इसके बाद आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। आपको अपने जीमेल का पासवर्ड दोबारा एंटर करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करें। इसके बाद आपको ट्राई इट नाउ पे क्लिक करना है। अगर आपने इस जीमेल आईडी को अपने फोन पे भी कॉन्फ़िगर किया होगा तो आपके फोन पे एक कंफर्मेशन मैसेज आएगा जिसको आपको यस करना है। तो मैं यहां से ट्राई इट नाउ पे क्लिक करता हूं। इसके बाद जैसे आप अपने फोन पे यस करेंगे और उसके बाद आपका यहां पे टू स्टेप वेरिफिकेशन जो है, ये देखिए यहां पे आपका फोन नंबर डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद आप अपने ओटीपी को कैसे गेट करना चाहते हैं, फोन कॉल के थ्रू या फिर टेक्स्ट मैसेज के थ्रू। तो मैं यहां पे टेक्स्ट मैसेज को सिलेक्ट करूंगा। जस्ट क्लिक ऑन सेंड सेंड ऑप्शन। इसके बाद आपके फोन पे एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। इसमें कुछ टाइम भी लग सकता है, कुछ 1 to 2 minutes, या हो सकता है आपके पास जल्दी आ जाए। अगर आपके पास मैसेज रिसीव नहीं होता है तो आप इसको रिसेंड भी क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं टर्न ऑन टू स्टेप वेरिफिकेशन के लिए पूछ रहा है। जैसे मैं इसको टर्न ऑन करूंगा तो मेरे पास टू वे ऑथेंटिकेशन का जो प्रोसेस है वो ऑन हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि जब भी आप अपने जीमेल में फर्स्ट टाइम लॉग इन करेंगे या किसी भी टाइम लॉग इन करेंगे तो सबसे पहले आपको पासवर्ड एंटर करने के बाद आपके फोन पे एक ओटीपी आएगा। जब तक आप उस ओटीपी को आप एंटर नहीं करेंगे आप अपने जीमेल में लॉग इन नहीं कर सकते हैं। तो देखते हैं उसको टर्न ऑन करने के बाद। अब इसके बाद ये मेरा जो टू वे ऑथेंटिकेशन जो है मेरे पास ऑन हो चुका है। तो मैं अपने को लॉग ऑफ करता हूं। अब मैं चेक करता हूं कि क्या मैं लॉग इन करने के बाद क्या मेरे से ये टू वे ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस पूछता है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि मैं अपने जीमेल अकाउंट पे आ चुका हूं। तो मैं यहां पे अपना जीमेल अकाउंट एंटर करता हूं। इसके बाद मैं अपना पासवर्ड एंटर करता हूं। पासवर्ड एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक ओटीपी के लिए रिक्वेस्ट आया है। सबसे पहले मुझे यहां पे जो इस ऑप्शन पे डोंट आस्क अगेन ऑन दिस कंप्यूटर पे अनचेक करना है। अगर मैं इस पे चेक करता हूं तो मेरे से नेक्स्ट टाइम ये ओटीपी के लिए नहीं पूछेगा, तो हमें ऐसा नहीं करना है। तो हमें इसको अनचेक करना है। इसके बाद मोर ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको गेट अ वेरिफिकेशन कोड पे क्लिक करना है और उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे एंटर करना है। एंटर करने के बाद मुझे यहाँ पे भी इसको अनचेक करना है और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो आपने देखा कि मैंने फर्स्ट टाइम लॉगिन किया तो डायरेक्ट लॉगिन ना होने की बजाय मेरे से इसने एक ओटीपी के लिए पूछा,
जब मैंने OTP एंटर किया उसके बाद मैंने अपने जीमेल के अंदर लॉगिन किया, तो ये स्टेप आपसे हर बार पूछेगा जब भी आप जीमेल के अंदर लॉगिन करेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपको जो जीमेल अकाउंट है प्रोटेक्ट हो गया, बिना किसी OTP के आपके सिस्टम के अंदर कोई लॉगिन नहीं कर सकता जीमेल अकाउंट के अंदर। तो ये था हमारा एक जीमेल का कूल फीचर्स। तो आपको अगर ये जीमेल का फीचर पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही टैक्स रिलेटेड मैं वीडियोस आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।